Hello everyone, and a very good morning. Good morning everybody. Good morning bachcho. Good morning. A beautiful good morning to you all. कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? रात को कितने बजे सोए थे? फटाफट बता दो. चलो, रात को कितने बजे सोए हो आप लोग? हाँ, 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे? अरे वाह. अच्छा, अरे अरे अरे. अच्छा, कल का जितना भी पढ़ा है, पहले मुझे एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दो तुम लोग, कल जितना भी तुमने पढ़ा, यू गाइज आर सेटिस्फाइड? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की क्या? जितने भी चैप्टर्स आपने कल पूरे किए, अच्छे से खत्म हुए आप लोग के? यस, परफेक्ट, ओके. देखो, ऐसा कई बार हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा कई बार हो सकता है कि जिस स्पीड से मान लो टीचर जा रहा है, हो सकता है आपको किसी एक टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो, टीचर उस पे थोड़ा कम टाइम ले रहा है. हो सकता है ना कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगे, कोई चीज मतलब जल्दी जल्दी हो जाए. तो ऐसे केस में जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आप क्या करना है, फटाफट बैठ के खुद भी पढ़ लिया करो उसको, क्योंकि एट दी एंड आपको एग्जाम लिखना है ना, तो आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, डेट्स रहनी चाहिए, टाइम रहना चाहिए. तो क्या है, फटाफट आप रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? बस मुझे इसी चीज से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे रिवाइज ना करें, और फिर ऐसा, इसलिए क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि बच्चों, इन केस अगर ऐसा है तो प्लीज कर लो, ठीक है? बिकॉज वी आर द बिगेस्ट वेल विशर, आई एम द बिगेस्ट वेल विशर ऑफ योर, एंड आई रियली होप कि आप लोग फ्लाइंग कलर से पास हो, और एकदम होगे, बहुत मेहनत कर रहे हो, डोंट वरी एट ऑल. चलिए, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू. तो लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अनअकैडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शंस है, प्लस आइकॉनिक. आइकॉनिक के अपने फायदे होते हैं, जैसे प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं आप लोगों को. अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सी ए दीपिका, दिस इज माई कोड. चलो, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट. आई थिंक बच्चे आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं. ये चैप्टर है आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के पूरे सारे सेक्शंस पढ़ेंगे. उसके बाद में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे. ऑल राइट, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के सारे सेक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम क्या जाएंगे, अपने एमसीक्यूज को करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. रेडी हो तो एक थम्स अप दे दो कि हाँ, वी आर रेडी. तो अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. चलिए, परफेक्ट, ओके बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. परफेक्ट बच्चों, चलो आ जाओ. ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कितने टाइप के ऑफर होते हैं. देखो, कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं बच्चों, बताओ. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑफर. एक होता है पब्लिक ऑफर, है ना, एक होता है प्राइवेट ऑफर, और एक होता है आप जिसमें बोनस शेयर और राइट शेयर इशू करते हो, करेक्ट? ओके. पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज कर सकती है पब्लिक ऑफर, प्राइवेट कंपनीज तो नहीं कर सकती है, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? दोनों ही कर सकते हैं, चाहे एक पब्लिक कंपनी हो चाहे एक प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं. बोनस और राइट भी दोनों ही कर सकते हैं, बोथ. पब्लिक भी कंपनीज भी बोनस शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी बोनस शेयर इशू कर सकती है, ऑफ कोर्स. पब्लिक कंपनी क्या करती है? सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक ऑफर दे सकती है, करेक्ट? पब्लिक कंपनी ही पब्लिक ऑफर दे सकती है. पब्लिक ऑफर तीन तरीके से दिए जाते हैं. एक होता है आईपीओ, मतलब पहली बार जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हो, उसके बाद जब आप अपने सिक्योरिटीज जनता में ऑफर करते हो, पब्लिक में ऑफर करते हो, उसे कहते हैं आईपीओ. जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आया. फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ के बाद कंपनी जितनी बार भी पब्लिक को ऑफर करेगी, उन्हें कहते हैं एफपीओ, मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक बाय द कंपनी व्हिच हैज ऑलरेडी बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जितनी बार भी आप ऑफर करोगे, उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं. ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जब कुछ शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जब अपने शेयर्स को बेचते हैं मार्केट में, मतलब नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग जिनते, मान लो प्रमोटर्स के पास कुछ शेयर्स है, शेयर होल्डर्स के पास कुछ शेयर्स है, वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं, उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल. पेटीएम होशियार गट्टो. चल, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आ जाओ बच्चे, चल आ जाओ. नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस. कोई भी डॉक्यूमेंट
जो इश्यू हो रहा है एज प्रोस्पेक्टस उसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। अरे वाह सिंपल मैडम, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप प्रोस्पेक्टस जैसे इशू कर रहे हो दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। ओके, इसके अंदर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी आएगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आएगा, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट जो आप पब्लिक को दे रहे हो, जिससे आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो अपनी सिक्योरिटीज, वो प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस जैसे इशू हो, रेड हियरिंग, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्कुलर, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप पब्लिक को दे रहे हो, जिससे आप अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आ जाओ, बस अभी क्लास स्टार्ट हुई है, सारे बच्चे आ जाएंगे, चलो आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये आपके आरटीपी का भी क्वेश्चन है, इस बार आरटीपी में आया था, व्हाट आर द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26। अगर आप इस बार की अपनी आरटीपी उठाते हैं तो ये क्वेश्चन था कि बताओ प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स लिखे जाते हैं। आ जाओ बच्चों, चलो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए क्या? ऑफकोर्स, बिना डेट के क्या प्रोस्पेक्टस होगा रे, तो प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड। द डेट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, मतलब जो प्रोस्पेक्टस की डेट है वही उसकी पब्लिकेशन डेट, मतलब जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस को लोगों में पब्लिक कर रहे हो, तो जो जिस दिन आप पब्लिक कर रहे हो वो जो डेट होती है वही डेट आप प्रोस्पेक्टस पे डालते हो, राइट, डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। सबसे पहली बेसिक चीज, प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस पे साइन होना चाहिए क्या? अरे बिना साइन के लीगल कैसे मानेंगे उसे, तो प्रोस्पेक्टस शुड बी साइंड, मतलब किसका साइन होना चाहिए, डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, या कोई डायरेक्टर प्रपोज किया है किसको बना दो डायरेक्टर, तो प्रपोज डायरेक्टर का भी साइन हो सकता है, या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी, मतलब किसी आदमी को जिसको ऑथराइज कर रखा है साइन करने के लिए वो भी साइन कर सकता है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए, ओके मैडम, ओके डेट होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए या बाय डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सेबी बोलता है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोस्पेक्टस शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, मतलब प्रोस्पेक्टस में वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो सेबी बोलता है कि भैया ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, आप सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे जो सेबी बोलता है लिखने के लिए इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके ओके मैडम, उसके बाद साउंड रुक रुक के आ रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या साउंड में, कोई भी प्लीज मुझे कंफर्म कर दो, नहीं ना बेटा जी, जिसके भी साउंड में दिक्कत आई है आप प्लीज रिफ्रेश कर लो, कई बार ना इंटरनेट चला जाता है तो साउंड रुक रुक के आती है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद डेक्लेरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिख के ही आना है आपको प्रोस्पेक्टस में, ये एक डेक्लेरेशन भी आप दोगे, किस चीज का, कि नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस, आप ये एक डिक्लेयर करोगे प्रोस्पेक्टस में, एक डेक्लेरेशन दोगे कि जो भी चीज प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है वो कॉन्ट्ररी नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, किसके, कंपनीज एक्ट के, सेबी के, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। समझा एवरीबॉडी, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, बोल रही हूँ एग्जाम में आ सकता है। बता दो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बता दो। प्रोस्पेक्टस मैडम डेटेड होना चाहिए, ओके। प्रोस्पेक्टस साइंड होना चाहिए डायरेक्टर, ऑथराइज पर्सन या प्रपोज डायरेक्टर द्वारा, ओके। फिर प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी होनी चाहिए जो सेबी स्पेसिफाई करता है, सेबी बोलता है इन कंसल्टेशन विद सीजी, ओके। चौथी चीज मैंने क्या बोली, डेक्लेरेशन आप प्रोस्पेक्टस में दोगे कि हम कहीं पे भी कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा, सेबी के कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसमें बने हैं उसके अगेंस्ट हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ओके। उसके बाद एक्सेप्शन नॉट एप्लीकेबल टू, दो केसेस में ना आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है बेटा जी, दो केस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। किन दो केसेस में आपको जरूरत नहीं है, अगर आप शेयर्स किसको ऑफर कर रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हो, मतलब आप, एक मिनट, आप प्रोस्पेक्टस को अगर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स या एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर रहे हो, मतलब जो ऑलरेडी आपके कंपनी के बारे में जानते हैं, तो फिर उनको क्या बताओगे ना प्रोस्पेक्टस इशू करके, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को ही अगर आप शेयर दे रहे हो उनको इशू करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, जब आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, पब्लिक को इशू कर रहे हो मतलब किस, तो दिस इज में इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हो, या फिर आप इशू कर रहे हो पब्लिक को, कौन से शेयर इशू कर रहे हो, वो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी लिस्टेड है, किस पे, ऑलरेडी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे,
हैविंग यूनिफॉर्म राइट्स, मतलब आपके राइट्स भी सेम है उसके ऊपर, मतलब आप सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो जिसकी जानकारी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के पास है, और आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स, यूनिफॉर्म राइट्स, सेम राइट्स के साथ, ठीक है बच्चों? ओके, तो ऐसे दो केसेस में आपको वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी टू रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग, बताओ प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी पब्लिक को जाने से पहले पापा को देनी चाहिए क्या? पापा कौन है? रजिस्ट्रार है। पापा को दोगे कि नहीं? पापा को बताएंगे कि नहीं कि भैया प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं? ऐसे क्या बिना बिना सोचे समझे डिसीजन लोगे क्या? तो बिफोर मेकिंग इट पब्लिक पापा को बताना पड़ेगा। ओके, पापा को बता दिया मैम। ओके, प्रोस्पेक्टस में आप ये कभी भी नहीं लिखोगे कि ये प्रोस्पेक्टस एक एक्सपर्ट द्वारा बना है। आप ये कभी भी नहीं बोलोगे कि प्रोस्पेक्टस एक्सपर्ट द्वारा बना है। कब बोल सकते हो? आप तब बोल सकते हो अगर एक्सपर्ट आपके बिजनेस, आपकी जो कंपनी है उसके प्रमोशन फॉर्मेशन में एंगेज ना हो। आप वैसे तो कभी नहीं लिखोगे ये प्रोस्पेक्टस एक्सपर्ट द्वारा बना है। कब लिख सकते हो? जब प्रोस्पेक्टस में जो एक्सपर्ट है, जिसने भी आपका प्रोस्पेक्टस बनाया है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसने अगर अपना रिटन कंसेंट दिया है कि हाँ मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, अगर वो अपना रिटन हाँ हाँ मैं हाँ बोल रहा है, हाँ हाँ दिया है रिटन कंसेंट अगर वो दे रहा है उसके बाद, और ये कंसेंट उसने विड्रॉ नहीं किया है, कंसेंट विड्रॉ नहीं हुआ है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार को जब तक आपने प्रोस्पेक्टस दिया तब तक उसने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया। तो मैंने बोला ऐसे तो कभी भी नहीं लिखोगे कि एक्सपर्ट द्वारा बना है। कब लिख सकते हो एक्सपर्ट द्वारा बना है? जब एक्सपर्ट नॉट एंगेज्ड हो आपके कंपनी के बिजनेस में, फॉर्मेशन में, जब वो नॉट एंगेज्ड हो। और दूसरी चीज क्या है? जब उसने अपना रिटन कंसेंट दिया हो कि हाँ मैंने प्रोस्पेक्टस को बनाया है। और तीसरी चीज क्या है बेटा जी? ये कंसेंट विड्रॉ नहीं हुआ हो, जब तक आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया रजिस्ट्रार को तब तक उसने कंसेंट को नॉट विड्रॉ। ठीक है एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, तो आप ये चार चीजें लिखते हैं। डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके बाद ये भी लिख देना कि प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार को जाती है। उत्तर लिखने से होता है, ठीक है? ये तो आपको याद करने के लिए एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ओके, आगे। तो ये हो गया एक्सपर्ट। तो यहाँ पे क्या बताऊं, मुझे सर्टेन फॉर्मेलिटीज, अच्छा प्रोस्पेक्टस के फेस पे, मतलब पहले पन्ने पे, प्रोस्पेक्टस का जो पहला पन्ना, फेस जो होता है, फेस, फेस पे आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कॉपी, एक कॉपी हमने आरओसी को दे दी है। भैया जी एक कॉपी हम आरओसी को देकर आए हैं। स्पेसिफाई लिस्ट और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसका भी आप फेस पे ही बता देते हो। फेस पे क्या क्या बताते हैं? एवरीबडी कम ऑन, फेस पे क्या क्या बताते हैं? फेस पे क्या क्या बताते हैं? पहले तो एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की आरओसी को दे दिया है हमने, एक आरओसी को एक कॉपी दे दिया है, ऐसा बोलोगे। और उसके बाद क्या बोलोगे? उसके बाद में बोलोगे देखो प्रोस्पेक्टस में जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए ना उसकी लिस्ट फेस पे ही दिखा दोगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है पीछे, ठीक है? ओके, वैलिडिटी, बेटा वैलिडिटी क्या है? मैंने रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, उसके कितने दिन के अंदर अंदर मुझे प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा? 90 डेज के अंदर अंदर। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप काउंट करो तो प्रोस्पेक्टस में 10 होता है, प्रोस्पेक्टस की जो ये पूरी वर्ड्स है मतलब काउंट करोगे तो 10 है, 10 में से एक घटा दो दैट इज 90 डेज, ठीक है? अब याद नहीं रहे तो ठीक है, इन केस मैं याद कर लेना मैडम ने एक चीज के लिए ऐसा बोला था। तो विद इन 90 डेज क्या होगा? विद इन 90 डेज आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के डिलीवर करने के 90 डेज में प्रोस्पेक्टस इशू करना है। ओके समझा? ओके फाइन, पनिशमेंट देख लो। अगर आप ये मैटर्स प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखते हो, ऑप्शन को कंप्लाई नहीं करते हो, तो कंपनी पे 50,000 रुपए विच कैन एक्सटेंड टू 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 विच कैन एक्सटेंड टू 3 लाख, तो सेम पेनल्टी है 50 से 3। ओके ओके एवरीबडी समझा? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस अच्छे से समझ में आ गया। डेट होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को जाना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और आप ये नहीं लिखोगे कि ये एक्सपर्ट द्वारा बनाए जब तक कि उसने कंसेंट ना दिया हो। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लो, फिर से दिखा रही हूँ, डेटेड साइंड, सारी इंफॉर्मेशन जो सेबी बोलता है, ऊपर से आप डिक्लेरेशन दोगे किस चीज का, कि सेबी वेबी को, कंपनीज एक्ट को, SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम कंप्लाई कर रहे हैं। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट कब तक नहीं बोलोगे? जब तक कि वो बिजनेस में एंगेज ना हो, अगर उसने अपना रिटन कंसेंट दिया हो और दे के विड्रॉ ना किया हो। कवर पेज पे क्या बोला मैंने? कवर पेज पे आप बोलते हो कि कॉपी हमने दिया है आरओसी को, कॉपी दिया है एक, और सारे डॉक्यूमेंट जो अटैच कर रहे हैं उसका लिस्ट ये है। समझा बच्चों? आरटीपी का क्वेश्चन था, फटाफट कवर कर लिया। ओके ऑलराइट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 30। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या?
अगर तुम प्रोस्पेक्टस की एडवर्टिजमेंट कर रहे हो, मतलब कहीं पे भी प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ भी छापते हो ना, न्यूज़पेपर में कहीं पे भी एडवर्टिजमेंट दे रहे हो कि हम हमारा प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, कहीं पे भी ये लिखते हो, इसके साथ आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। पहले तो बेसिक चीज जो आप बताओगे शेयर कैपिटल के बारे में, देख मेरे कंपनी का ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस तो ला रहे हैं, हमारा शेयर कैपिटल इतना है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दी रेंडम, एमओए के हिसाब से मेरे कंपनी क्या करती है बताओगे, मेरे शेयर होल्डर्स का ये लाइबिलिटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वैसे ही शेयर कैपिटल से याद आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑलरेडी एमओए में जिनका नाम एज अ सब्सक्राइबर रखा है, आपको पता है ना प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, तो डिटेल्स देंगे कि ये सिग्नेटोरीज हैं एमओए के और उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं वो भी बताओगे। एवरीबॉडी समझा क्या? तो दो चीज शेयर्स को लेके बताओगे, क्या कि कंपनी का शेयर कैपिटल ये है, शेयर कैपिटल कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, शेयर कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद आप बताओगे मेरा ऑब्जेक्ट ये है, देख ले एमओए के हिसाब से। उसके बाद आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है एमओए में, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, तो मेरे लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी इतनी है। उसके बाद आप क्या बताओगे, उसके बाद ये बताओगे देखो डिटेल्स ऑफ सिग्नेटोरीज, ये जो भी मेरे सिग्नेटोरीज है एमओए के इनका डिटेल्स ये है और उन्होंने इतने शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो एमओए के 2 क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, शेयर को लेके 2 पॉइंट, दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का, डिटेल्स ऑफ सिग्नेटोरीज एमओए में किन लोग ने साइन किया है और शेयर्स उन्होंने कितने सब्सक्राइब कर रखे हैं। एवरीबॉडी समझा? तो जहां पे भी प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट देते हो, जहां पे भी प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ भी छापते हो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, ये चीजें तो लिखनी ही पड़ेगी तुम्हें, ये साथ में लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है मैं आपको बताऊंगी, सारे कंपनीज जिनके शेयर, मतलब सारे लिस्टेड कंपनीज जो होते हैं, सारे लिस्टेड कंपनीज को अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में ही होल्ड करना पड़ेगा, सबको पता है। और जितने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो भी होते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, वो भी अगर अपने शेयर्स को इशू करेंगे वो भी किसमें करेंगे, डीमैट फॉर्म में ही इशू करेंगे। मतलब अनलिस्टेड हो क्या, पर पब्लिक कंपनी हो क्या, रूल 9 कहता है कि अगर तुम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो भी तुम अपने शेयर्स को किसमें इशू करोगे, डीमैट फॉर्म में। और शेयर्स को डीमैट फॉर्म में इशू करने से पहले ऑलरेडी जितने तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसे, जो तुम्हारे प्रमोटर्स के पास है, डायरेक्टर्स के पास है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है, वो आप क्या करो, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये रूल 9 है, इट्स सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस से। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आओ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एनीथिंग विद अ शेल्फ लाइफ, जिसकी शेल्फ लाइफ हो, एक बार इसको डाल दिया, एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला हो गया, उसके बाद फिर से आपको नया नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। इट इज अ प्रोस्पेक्टस जिसकी शेल्फ लाइफ हो, विद अ शेल्फ लाइफ मतलब वैलिडिटी पीरियड होता है इसका, ठीक है। ये ऐसा टाइप का प्रोस्पेक्टस है which should contain detail of all the upcoming public issues, मतलब जब shelf prospectus आप issue करते हो तो एक बार में ही आप बता देते हो कि 1 साल में मेरे कितने upcoming public issue आने वाले हैं, जैसे साल में मैं 4 issue को लेकर आऊंगा, तो shelf prospectus में आप upcoming public issue के बारे में बता देते हो जो company लाने वाली है next 1 year के अंदर public के सामने, without a separate prospectus। ये जो 4 issue लाएगी इनके लिए कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वही एक प्रोस्पेक्टस है, उसी में आप क्या कर दोगे, उसी में डिटेल्स दे दोगे। तो आप क्या बोलोगे, शॉर्ट नोट आया तो, प्रोस्पेक्टस विद अ शेल्फ लाइफ पहला पॉइंट, मतलब दैट इज विद अ वैलिडिटी पीरियड, सेकंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द अपकमिंग इशू इज रिटन इन द शेल्फ, इज प्रोवाइडेड इन द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। वंस द शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशूड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफ द ऑफरिंग्स, जो आप ऑफरिंग्स लाओगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना है बेटा जी, 1 साल का, मतलब प्रोस्पेक्टस एक बार अगर आपने इशू किया 1 साल तक चलता है, शेल्फ लाइफ उसकी 1 साल तक की है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा आपको फाइल करना पड़ता है। What is information memoranda? हर बार जब आप public issue लाओगे, मतलब 4 बार लाने वाले हो, आप पहली बार लाए तो आपने shelf prospectus issue कर दिया, पहली बार में आपने इधर लिखा कि 3 और लाएंगे, तो 3 और issue लाओगे ना, तो issue लाने के कम से कम आप क्या करोगे, 1 महीना पहले क्या issue करोगे, information memoranda in PAS 2,
इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा में आप बताओगे कि पिछले ऑफरिंग से इस ऑफरिंग तक, पिछले ऑफर जो हम लाए थे तब से अब तक क्या क्या चीजें चेंज हुई है, मतलब अगर कोई फाइनेंशियल्स चेंज हुए हैं, हमारे किसी एसेट पे नया चार्ज क्रिएट हो गया, कोई भी अदर मटेरियल फैक्ट्स आप डिस्क्लोज करोगे इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, मतलब डिटेल्स ऑफ एनी चेंजेस दैट टुक प्लेस फ्रॉम प्रीवियस इशू, प्रीवियस इशू से इस इशू तक अगर कोई चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल्स में, नए चार्ज क्रिएट हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पीएएस 2 में किसके पास फाइल करोगे, 1 month प्रायर टू द इशू, मतलब इशू लाने के कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर, विदिन 1 month, 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या इशू करोगे, आरओसी के पास शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा जाएगा। एवरीबॉडी समझा, किसी को कोई डाउट, ये अगर शॉर्ट नोट आया तो अपने आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा वैलिडिटी का पॉइंट और शेल्फ प्रोस्पेक्टस को एक्सप्लेन कर दो, सेक्शन 31 और पीएस 2 विदिन 1 month प्रायर, विदिन 1 month में इशू करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट मिस हुआ क्या? नहीं। ओके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको बता देती हूं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस आपका ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा है, ये क्या माना जाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर ऑफरिंग के पहले आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ऐसा डीम्ड माना जाएगा। अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा इशू करते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है? ओके, मतलब हर बार आप नया प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं कर रहे, एक बार इशू कर दिया हो गया, उसके साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा इशू करते हो तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। ओके बच्चों, ओके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, बस ये समझ लो, मूवी से पहले ट्रेलर आता है क्या? मूवी से पहले ट्रेलर आता है, किस लिए ट्रेलर आता है, क्यों देते हैं ट्रेलर? हाइप क्रिएट करने के लिए, अरे मूवी आने वाला है मार्केट में। वैसे ही रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, हाइप क्रिएट करना है कि हमारा प्रोस्पेक्टस आने वाला है, जनता पॉकेट में थोड़ा पैसा रखना, हाँ हमारा प्रोस्पेक्टस आने, हमारा इशू आने वाला है। तो बेसिकली रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को हम इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते, मतलब आप सिर्फ हवा क्रिएट कर रहे हो, इसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं है किसके, कि किस क्वांटिटी के शेयर्स इशू हो रहे हैं, किस प्राइस पे सिक्योरिटीज इशू होंगे, कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हवा क्रिएट करना है, कितने क्वांटिटी के इशू होंगे ये भी नहीं बताया होता, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज क्या है वो भी नहीं बताया होता। तो ये एक काइंड ऑफ ऐसी पब्लिक ऑफरिंग है जहां प्राइस एंड क्वांटिटी जो आप अलॉट करने वाले हो आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में किस प्राइस पे आएगा, किस क्वांटिटी पे आएगा नहीं लिखा होता। तो कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है? रेडिंग प्रोस्पेक्टस प्रॉपर जो आपका नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है उसको इशू करने से पहले आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। अरे मूवी के बाद आएगा क्या ट्रेलर? नहीं ना, मूवी के पहले ही आएगा ना ट्रेलर। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू प्रायर टू द इशू ऑफ नॉर्मल आपका जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है? ओके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड। आप फाइल करोगे कम से कम, रजिस्ट्रार के पास फाइल तो करना ही पड़ेगा, पापा को सारी बात बतानी पड़ती है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, मतलब नॉर्मल प्रोस्पेक्टस ओपन करने के 3 दिन पहले, मतलब लोगों को सब्सक्राइब करना लोग चालू कर दे, कम से कम उसके 3 दिन पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जाता है, 3 days बिफोर ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ओपन करने के 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले तो भेज दो, शर्म करो कंपनी, कम से कम 3 दिन पहले तो भेजो, ठीक है? ऑलराइट, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के सारे ऑब्लिगेशन होते हैं जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में होते हैं। एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस बेटा, एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस, नाम ही एवरेज्ड का मतलब ही क्या होता है, इंग्लिश में एवरेज्ड का मतलब क्या है, समरी, मतलब मेरे को यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं 2000 रुपए, तुम्हें क्या पूरा LIC का जितना भी वो जो प्रोस्पेक्टस आया है उसको पूरा पढ़ते हुए बैठूंगी क्या? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, लगाने 2000 रुपए है, मैं क्या लगाऊं, मैं क्या पूरा पढ़ूं? तो एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ लो ना। तो एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या होते हैं, सारे सेलियंट फीचर्स, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसके, प्रोस्पेक्टस के, सारे सेलियंट फीचर्स जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू कर रही है उस प्रोस्पेक्टस के सेलियंट फीचर्स किस में होते हैं, एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस में होते हैं, जो सेबी स्पेसिफाई करता है, सेबी बोलता है ये चीजें तुम्हें एवरेज्ड में लिखनी है, तो ये चीजें तुम लिखोगे, सेलियंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो मैं ये कह सकती हूँ एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस समराइज्ड फॉर्म है एक्चुअल प्रोस्पेक्टस का, इट इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, इट्स अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, सही बोल रही हूँ क्या मैं? Everybody, यहां तक समझा? हमने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस सारे देख लिए, मैंने आपको क्या बताया प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है, तुमने वो देख लिया। उसके बाद में तुमने क्या देखा कि यार कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, आपने देख लिया एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस देख लिया, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देख लिया,
आपने और क्या देखा बेटा जी? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस देख लिया, तो ये टाइप के प्रॉस्पेक्टस आपने देख लिए. ऑल राइट, ओके 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 परफेक्ट. ओके लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, देन लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे समझ में, समझ रहा है ना तुमको? अच्छा मैं एक एमसीक्यू पूछती हूँ. मुझे बताओ, मैंने रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, तो उसके कितने दिन में मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? मतलब मैंने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया, उसके कितने दिन में मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? 90 डेज में. चलो कोई पूछ रहा है, मैटर्स टू बी स्टेटेड दिखा दो एक बार. ये समराइज फॉर्म में देख ले, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस देख ले. इधर देख लो, ये देख लो, डेटेड साइंड इंफॉर्मेशन जो सभी बोले, और डेक्लेरेशन लगेगा कि हमने ना कहीं पे भी ना कंपनीज एक्ट को ना कॉन्ट्ररी नहीं किया है. मतलब सभी के कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा, तो ये सारी चीजें आप लिखते हो. एवरीबडी समझा? आगे बढ़ते. ओके परफेक्ट, आगे बढ़े. हाँ मैंने म्यूट किया था 2 मिनट के लिए. चलिए ओके ओके ओके. इसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेकर जाती हूं. अब सुनना, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर फॉर सेल सेक्शन 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर फॉर सेल. कई बार कंपनीज ना यार क्या करती है ना यार, कंपनीज को इतने पचड़े में पड़ना नहीं है, कौन प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगा, सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो मैंने ये सारे शेयर्स किसको दे दिए, मैंने शेयर्स ऑफर किसको कर दिए, मैंने शेयर्स अलॉट किसको कर दिए, किसी इशुइंग हाउस को दे दिए. और मैंने इशुइंग हाउस को क्या बोला, ए इशुइंग हाउस एक काम करना यार, तू आगे पब्लिक में इशू कर दे. इशुइंग हाउस क्या कर रहा है, पब्लिक में जनता में ऑफर कर रहा है ये शेयर्स. तो ये क्या कहता है कि यार पब्लिक ऑफर अगर ये इशुइंग हाउस करेगा, पब्लिक को जनता को कौन ऑफर कर रहा है? इशुइंग हाउस जनता को ऑफर कर रहा है ना, इशुइंग हाउस कंपनी के बिहाफ पे जनता को ऑफर कर रहा है. तो कोई भी डॉक्यूमेंट ये जो इशुइंग हाउस इशू करेगा ना पब्लिक ऑफर के लिए, ये डॉक्यूमेंट भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. कहता है इशुइंग हाउस जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है टू ऑफर द सिक्योरिटीज टू पब्लिक, ये डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. पर इसके दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो तो. दो कंडीशंस क्या है, दो कंडीशंस क्या है कि कंपनी ने इशुइंग हाउस को अलॉट किया और उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने पब्लिक को दे दिया, Within 6 months अगर आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया, Within 6 months ऑफर्ड टू पब्लिक, ठीक है, पहली कंडीशन, या ये सेटिस्फाई हो जाए, और या एक, या फिर जब कंपनी ने इशुइंग हाउस को, जब कंपनी ने इशुइंग हाउस को शेयर्स अलॉट किए थे तो इशुइंग हाउस ने पूरा कंसिडरेशन कंपनी को पे नहीं किया था, फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी. इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए ना तो ये डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए, वन, दोनों सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है, एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो ये प्रोस्पेक्टस क्या माना जाएगा, ये डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. एवरीबॉडी समझा क्या? तो ये क्या कहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आप ऑफर ऑफ सेल कर रहे हो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है. कब डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है, दो कंडीशन अगर पूरी हो तो. कब? जब सिक्योरिटीज को 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिला, उसके 6 महीने में तुमने आगे दे दिया, और जब तुमने ऑफर किया था, मतलब कंपनी ने जब तुमको ऑफर किया था तुमने होल कंसिडरेशन कंपनी को नहीं दिया था, होल कंसिडरेशन वॉज नॉट रिसीव बाय द कंपनी, ठीक है, इशुइंग हाउस ने पूरा कंसिडरेशन कंपनी को नहीं दिया था, तो ये डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या? 6 months का कोई भी एक कंडीशन और है यहाँ पे, देख लो, कोई भी एक पूरा होगा ना तो डीम्ड माना जाएगा, दोनों पूरा होने की जरूरत नहीं है. ओके आगे बढ़ते हैं. साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अच्छा ये इशुइंग हाउस कंपनी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है जिसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किसका होना चाहिए? अगर ये जो इशुइंग हाउस है, अगर ये कंपनी है तो दो डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, अगर ये एक फर्म है तो कम से कम 50% पार्टनर्स का साइन होना चाहिए, नॉट लेस देन हाफ. लास्ट में लेंगे सहज, वो लास्ट में लूंगी मैं आपके पोल, क्योंकि बीच में फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए मैं फ्लो ब्रेक नहीं करना चाहती. पहले सेक्शंस पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है. साइनिंग किसका होगा? कंपनी में दो डायरेक्टर्स का साइन होता है, और फर्म के अंदर किसका सिग्नेचर होता है? कम से कम आधे पार्टनर्स का, मतलब 50% पार्टनर्स का होता है, ठीक है. एवरीबडी समझा? ओके.
ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स, मतलब क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, कुछ मेजर शेयर होल्डर्स है कंपनी के, मेरे पास किसी कंपनी के, लेट्स से मेरे पास एशियन पेंट्स के 15% शेयर्स हैं, तो बहुत शेयर्स हैं क्या मेरे पास? हाँ। तो अगर शेयर होल्डर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के मेंबर्स अगर अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करना चाहते हैं पब्लिक को, उसे कहते हैं ऑफर ऑफ सेल। मतलब अगर मेंबर्स कुछ पार्ट या पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग पब्लिक में बेचना चाहता है तो उसे कहते हैं ऑफर ऑफ सेल। नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, बस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वही अपना सामान शेयर्स को बेच रहे हैं। इसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी जरूरी है। क्यों क्यों अप्रूवल लेनी क्यों जरूरी है? कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है यार, एक बात बताओ, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। तो तुम 15% कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो तो तुम्हें डायरेक्टर से पूछना नहीं पड़ेगा, ये कंपनी चलाते हैं, उनको तो पूछो बेचने से पहले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओके, कहते हैं इसके लिए जब आप ऑफर ऑफ सेल कर रहे हो, कंपनी अपने 15% शेयर्स, कंपनी के कुछ मेंबर्स, कुछ प्रमोटर्स मान लो 15% शेयर्स बेच रहे हैं कंपनी के, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे पब्लिक को कि पब्लिक पब्लिक हमारे कुछ शेयर होल्डर्स अपने शेयर होल्डिंग को बेच रहे हैं, जो लेना चाहता है वो ले सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट से आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। मतलब आप हालांकि नया कुछ इशू नहीं ला रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, तो कंपनी कुछ तो करेगी, डॉक्यूमेंट इशू करेगी और जनता को बोलेगी कि आओ हमारे शेयर्स को खरीदो, हमारे शेयर होल्डर सामान बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आप इशू करोगे उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद क्या बोलता है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेंबर्स क्या बोलेंगे, मेंबर्स कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी को ऑथराइज करेंगे। ये मेंबर्स जो है, मान लो हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो सकता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, ये लोग कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी को ऑथराइज करेंगे, ये कंपनी तू हमारे शेयर्स बिकवा दे, शेयर्स तुम सारा पूरा एक्शन लो शेयर्स को बेचने का, हमारे शेयर्स का एक्शन, बेचने का एक्शन कौन लेगा? कंपनी, आप बिकवा दो, हम कंपनी को बोलेंगे बिकवा दो। पर एक बात मेरे को बोलो, पैसे किसको मिल रहे हैं शेयर बेचने से? पैसे कंपनी को मिल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं? मेरे को मिल रहे हैं क्या पैसे? कंपनी को मिल रहे हैं ना, कंपनी सॉरी मतलब शेयर होल्डर को मिल रहे हैं ना, शेयर होल्डर को मिल रहे हैं, शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचेगा तो उसी को पैसे मिलेंगे। तो अगर कंपनी सेल करवा रही है तो कंपनी खर्चा कर रही है आपके लिए, तो ये खर्चा आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा कंपनी को। रीइंबर्स करना पड़ेगा क्या कंपनी को ये खर्चा? हाँ। अरे यार पैसे किसको मिल रहे हैं? तेरे को मिल रहे हैं शेयर होल्डर। बिकवाने का काम कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो कंपनी खर्चा कर रही है तेरे लिए, तो तू रीइंबर्स कर दे कंपनी को जो भी खर्चा हुआ कंपनी का। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, परफेक्ट, ओके। तो ये कहता है ऑफर ऑफ सेल, एक छुटकू सा पॉइंट है ये पढ़ लो, ऑफर ऑफ सेल जब आप करते हो तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पैसा आने की जरूरत नहीं है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का पैसा रिसीव होने की जरूरत नहीं है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। एक्सेप्शन क्या है कि जब आप ऑफर ऑफ सेल करते हो ना, तो ऐसे केस में जैसे नॉर्मल इशू लाते हो तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम रिसीव होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ऑफर ऑफ सेल में ये सब नहीं लगता। आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो ना हो, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू मिले ना मिले, और बोर्ड भी नहीं बताएगी कि ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये पैसा जा ही नहीं रहा है वैसे तो कंपनी के पास, ये पैसा बिकने के बाद तो शेयर होल्डर के पास जा रहा है, करेक्ट। तो शेयर होल्डर इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैं पैसा कहाँ यूटिलाइज करूंगा, अरे मेरे पास शेयर थे मैंने बेच दिया, क्यों बताऊं मैं पैसा कहाँ यूटिलाइज करूंगा। उसके बाद एनी अदर प्रोविजंस, कुछ भी अगर इसके बताया जाए तो वो लगेंगे नहीं यहाँ पे। समझा एवरीबडी? समझा मैम, बट प्रोस्पेक्टस तो न्यू कंपनी के लिए होता है, फिर सर्टेन मेंबर्स वाले में क्यों डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है? वो राजीव कंपनी को, एक मिनट, अच्छा तुम किसी का आंसर दे रहे हो, ओके, समझा क्या एवरीबडी अंडरस्टूड? यहां तक हमने काफी चीजें पढ़ ली है, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। जसकरण, समझा क्या बेटा? आईपीओ लाते हो तो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, कभी एफपीओ लाओगे, जब भी आप इशू कर रहे हो ना पब्लिक को, तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। तो बेसिकली अगर कोई भी पब्लिक को कुछ भी ऑफर करता है जिससे आप डॉक्यूमेंट इशू करते हो, देखो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में, आई विल टेक यू टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या कहता है प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। पहला पॉइंट जो हमने क्लास में पढ़ा था वो ये क्या पढ़ा था, कहता है कि एनी नोटिस, एनी सर्क्यूलर, एनी एडवर्टिजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप इशू करो जिससे आप पब्लिक को इनवाइट करो ना, वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट से आप लोगों को बोल रहे हो ना आओ हमारे शेयर्स को खरीदो, तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। ठीक है, आओ, ओके, अरे मैडम
हो गया रे मैडम, बोल दिया हमने, समझ गया, इतना एक्सप्लेनेशन है नहीं चाहिए यार। अच्छा सॉरी बेटा यार, गुस्सा मत हो यार ऐसे है। जस्कर बोले गलती से पूछ लिया था मैंने, है ये तो पीछे पड़ गई मेरी। हाँ चल चल, 2 मिनट का टाइम, बह गई मैडम, बह गई बह गई बह गई, बह नहीं हूँ बेटा, बह नहीं हूँ, अभी बहना बाकी है। चलो सेक्शन 39, मैं पानी पीती हूँ फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गेट द क्लास रोलिंग, लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड। ये कंफ्यूज्ड वाला स्माइली कौन भेजा है? पता है मेरे को एलर्जी है किससे? कंफ्यूज्ड वाले स्माइली से। मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्या समझा नहीं, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। ओके अब हम देंगे, अब हम आपको देंगे ये वाली स्माइली। बेटा मत दो यार, मत दो, चलो आ जाओ। है थम्स अप देते नहीं हो, तालियां बजाते नहीं हो, ये वाले स्माइली देने हैं तुम्हें, हैं इधर आओ। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, सेक्शन 39। अच्छा तालियां वालियां बजाना छोड़ो, इधर आ जाओ। सेक्शन 39 क्या कहता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आपके पूछे जा सकते हैं, थ्योरी कुछ पूछा जा सकता है, ध्यान देना। मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समअप किया है, सारे नोट्स प्रिपेयर्ड है, आ जाओ। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कहता है मिनिमम अमाउंट रिसीव होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगा कंपनी को, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन जब रिसीव होएगा तो ही कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर्स को। हाँ जब तक आपको मिनिमम शेयर्स आपके सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, आपको मिनिमम जो एप्लीकेशन मनी मिलना था वो नहीं मिला, तब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकती, मार्केट में अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है ओके ऑल राइट। तो एप्लीकेशन मनी कम से कम आप कितनी रिसीव करोगे? एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द इशूड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जितने वैल्यू के सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो एप्लीकेशन मनी उससे 5% से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 5%, कम से कम 5% तो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 5%, करेक्ट। तो एप्लीकेशन मनी मतलब जब आप लोगों को बोलते हो कि यार हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, लो हम ये फर्दर पब्लिक ऑफर ला रहे हैं, जो जो एप्लीकेशन मनी आपको मिलेगा इट शुड नॉट बी लेस देन 5%। ये कहता है मिनिमम अमाउंट, अगर आपको आपके कंपनी के शेयर्स का मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ, आप पब्लिक ऑफर तो लाए, आपने लोगों को बोला रे सब्सक्राइब करो पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एओए में लिखा होता है कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मोस्टली कंपनीज के केस में 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है तो अगर आपके शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हुए और एप्लीकेशन मनी भी आपको रिसीव नहीं हुआ जो मिनिमम मिलना चाहिए था विद इन 30 डेज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो एप्लीकेशन मनी भी नहीं मिला विद इन 30 डेज, मतलब आप अपना पब्लिक ऑफर लाए, पब्लिक को आपने ऑफर किया, पब्लिक ऑफर के 30 डेज के अंदर अंदर आपके शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हुए, मिनिमम आपके शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए तो अब आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। 30 दिन के अंदर अंदर, देखो एक 30 दिन का टाइम दिया जाता है कंपनी को, पब्लिक ऑफर आज आप लाए, आपके 30 दिन में शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए ना अब छोड़ दो जिद, अब एक काम करो, अब आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है? एप्लीकेशन मनी 30 डेज नहीं मिलाना फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब जब आपने पब्लिक ऑफर लाए थे, इशू प्रोस्पेक्टस को इशू किया था, उसके 30 डेज में मिनिमम शेयर्स नहीं आपके सब्सक्राइब हुए ना, तो अब आप क्या करो, रिफंड कर दो 15 दिन में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। जैसे ही आपका ये इशू बंद हो रहा है, इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसे को सारे को रिफंड कर दो, समझा क्या? इशू क्लोज होने के 15 डेज के अंदर अंदर सारा पैसा रिफंड कर दो। देखो 30 डेज में सब्सक्रिप्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ठन कुछ भी नहीं मिला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, एप्लीकेशन मनी नहीं मिला, 30 दिन में ठंड हो गया कंपनी है, कलेजी विच ठंड पा गई, 30 डेज में नहीं हुआ कुछ। अब जैसे इशू क्लोज होता है तुरंत उसके 15 दिन में क्या करो, रिफंड कर दो। ठीक है, कंपनी बोलेगी कर रहे हैं यार रिफंड है, कर रहे हैं, कर देंगे, ऐसा क्या है? चलो तो ये क्या कहता है, अच्छा इन दो पॉइंट्स को नीचे वापस आएंगे ये पॉइंट, ओके आ जाओ, ठन गोपाल हो गया, ओके आ जाओ। फिर ये क्या कहता है, इधर आओ, ओके। रूल्स में क्या लिखा है? रूल्स में लिखा है कि एप्लीकेशन मनी आप रीपे कर दोगे 15 दिन में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, इशू जैसे ही क्लोज होगा उसके 15 दिन में सारा पैसा रिफंड कर दो। बट अगर आपने लेट कर दिया तो रीपे नहीं किया 15 डेज में, तो बेसिकली कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जॉइंटली सेवरली इसके लिए लायबल होंगे, 15% पर एनम पे करना पड़ेगा। तो याद रखना 15 डेज में रिफंड नहीं करोगे, 15 डेज में अगर रिफंड नहीं करोगे तो फिर 15% इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ जाएगा भाई, तो कर दो। और उसके लिए कंपनी के डायरेक्टर्स भी लायबल माने जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स का काम तो था ना देखने का कि 15 दिन में रिफंड हुआ कि नहीं, आपने भी नहीं किया तो आप भी अब सेवरली लायबल हो, नुकसान पे नुकसान। एक तो पहले लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके बाद में क्या हो गया,
अब आपको रिफंड करना पड़ेगा, फिर रिफंड तुमने 15 दिन में नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट से करो, चलो आ जाओ, कम ऑन, ऑल राइट, ओके। जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिलता है वो आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हो, ठीक है, ओके। आ जाए समरी ऑफ, मेरा एक और मोटिव था आज स्पेशल क्लास में रखने का, मेरा मोटिव क्या था पता है, ऑनेस्टली ना कई बार यूट्यूब पे बहुत स्पैमिंग चलती है, इसलिए मैंने एक क्लास को कम से कम स्पेशल पे रखा, स्पेशल पे स्पैमिंग नहीं होता है। आ जाओ अलॉटमेंट, अच्छा चलो चलो वो सब छोड़ो, अपने हमें क्या कोई लेना देना नहीं उसे। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मान लो 30 दिन में लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, 30 डेज में लोगों ने ऐसे बोला अरे अरे सब्सक्राइब कर लेते हैं हम, सब्सक्राइब कर लेते हैं, 30 डेज में बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर देगी, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉट कर देगी 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी रिटर्न फाइल कर देगी PAS 3 के अंदर, मतलब रजिस्ट्रार को बताना तो पड़ेगा ना, पापा को बताना पड़ेगा ना, हाँ अलॉटमेंट कर दिया है, इन इन लोगों को अलॉट किया है, तो अलॉटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप एक रिटर्न फाइल करते हो अलॉटमेंट का, दैट इज PAS 3 रजिस्ट्रार के पास, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, पापा को बताना तो पड़ेगा ना, पापा को बताना पड़ेगा अलॉटमेंट कर दिया और किन किन लोगों को किया, तो अलॉटमेंट करने के 30 डेज में तुम बताओगे इन इन लोगों को अलॉटमेंट कर दिया, ओके, PAS 3 में बताओगे, ऑल राइट। अलॉटमेंट, अब ये वैसे तो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो एक बार पढ़ के रख देते हैं, जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप फाइल करते हो इसमें बेसिक चीजें आप क्या लिखते हो कि किन शेयर होल्डर्स को किया, उनका नाम क्या है उनका, ये तो आप बेसिक नॉलेज में भी, आपको रिटर्न अगर फाइल करनी है तो आप ये बताओगे किन शेयर्स, किन 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 को शेयर्स दिया, किन उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सिक्योरिटीज अलॉट की है हमने, ठीक है, अ सर्टिफिकेट बाय सिग्नेटोरीज ऑफ PAS 3, उसमें सर्टिफिकेट PAS 3 का सिग्नेटोरीज का सर्टिफिकेट, उसके बाद अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी को शेयर्स अलॉट किए हैं फॉर अदर देन कैश, मतलब किसी एसेट को बार्टर करके आपने शेयर्स अलॉट किए तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये सभी है, ठीक है। अगर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो आप क्या करोगे, सारे डिटेल्स लिखोगे, स्टैंप ड्यूटी स्टैंप वाला साइन करवा के दे दोगे, तो बेसिकली एक बार पढ़ के रख दो इसको, इन केस वाला टाइप है, वैसे तो आपको याद रखना है अलॉटमेंट करने के। बताओ अब मेरे को पूरा अलॉटमेंट अच्छे से समझाओगे तुम लोग, तुम समझाओगे, चलो आ जाओ मैं बोलती जाऊंगी, अलॉटमेंट करना है तो बेटा मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो मिलना चाहिए ना, तो बताओ मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम एप्लीकेशन मनी नॉट लेस देन 5% नहीं बेटा, नॉट लेस देन 5%, नॉट लेस देन 5% ऑफ टोटल इशूइंग वैल्यू, ठीक है, इशूइंग वैल्यू जितनी भी है उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए। मैंने अगर आज प्रोस्पेक्टस को इशू किया तो 30 डेज के अंदर अंदर लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो नो नॉट सब्सक्राइब, तो अब रोते गाते थोड़ी बैठोगे। अब जैसे ही इशू क्लोज हुआ, जैसे ही इशू क्लोज हुआ, इशू क्लोज होने के 15 डेज में सारे पैसे को रिफंड कर दो, अगर 15 दिन से लेट नहीं किया तुमने, 15 डेज में रिफंड नहीं किया तो फिर आप 15% पर एनम से आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, ठीक है। अगर मान लो अलॉटमेंट कर दिया तो अलॉटमेंट करने के आप कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर PAS 3 फाइल करते हो, किसके पास, ROC के पास, ये क्या है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें आप बताते हो कि यार ROC देख ले, इन इन लोगों को दिया है, इनका नाम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सिक्योरिटीज ऑफर किए हैं, कितने लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स, कितने लोगों को कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है अदर देन कैश, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह फाइल कर देते हो, ओके परफेक्ट। लाइबिलिटी, अच्छा इससे पहले मेरा एक और पॉइंट सुन लो, मैंने यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में आपको बताना है, अंडर राइटिंग कमीशन, MCQ क्वेश्चन कई बार आता है अंडर राइटिंग कमीशन पे, अंडर राइटिंग कराते हैं क्या कंपनीज, अंडर राइटिंग कराते हैं, अंडर राइटिंग होती है तो मैक्सिमम आप कितना कमीशन पे कर सकते हो अंडर राइटिंग का, मैक्सिमम कमीशन, मैक्सिमम कमीशन शेयर्स के केस में, शेयर्स के केस में 5% ऑफ द इशूइंग प्राइस, जो भी आपका इशूइंग प्राइस है 5% ऑफ इशूइंग प्राइस, और AOA में जितना लिखा है, whichever is less, AOA में कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, AOA बोलता है 2% और आप 5% दे दोगे क्या, नहीं, AOA में अगर कम लिखा है तो whichever is less, AOA की बात मानी जाएगी पहले, ओके। डिबेंचर्स के केस में क्या है, 2.5% ऑफ द इशूइंग प्राइस और जितना AOA में लिखा है, whichever is less, याद रहेगा, शेयर्स के केस में 5% ऑफ इशूइंग प्राइस, डिबेंचर्स के केस में 2.5% ऑफ इशूइंग प्राइस और AOA, whichever is less, ओके। प्रोस्पेक्टस जब आप देते हो ना,
प्रोस्पेक्टस जब आप सबमिट करते हो आरओसी को, आरओसी को प्रोस्पेक्टस देते हो क्या बता दो? आरओसी को प्रोस्पेक्टस देते हो क्या? हाँ, सबमिट करते हो ना, उसके 90 डेज में मार्केट में इशू करते हो। तो प्रोस्पेक्टस जब आप आरओसी को इशू करते हो, साथ साथ में अंडरराइटिंग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने एंटर किया है, इसके डिटेल्स भी आरओसी को देते हो। प्रोस्पेक्टस के साथ साथ ही अंडरराइटिंग कमीशन के डिटेल्स भी आरओसी को, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अंडरराइटिंग का हुआ है उसको दे देते हो। ठीक है मैम, नितिन मैम, क्लोजर ऑफ इशू के कब तक अलॉटमेंट कर देना चाहिए? क्लोज, जैसे इशू क्लोज हुआ कंपनी अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देती है, अगर अगर आपके 30 डेज में शेयर सब्सक्राइब हुए तो, अगर नहीं हुए तो फिर तो कर ही नहीं सकते आप। लाइबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, देखो अब क्या है, कुछ गलत लिख दिया तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी भावनाओं में बह गई, जैसे मैं आपको समझाते झमझाते बह जाती हूँ, एकदम डीप में चले जाती हूँ, वैसे ही कंपनी भी क्या कर दिया, भावनाओं में बह बह के गलत गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी, अनट्रू स्टेटमेंट लिख दिया, गलत गलत बातें लिख दिया, कोई चीज मिसलीडिंग लिख दी, झूठी चीजें लिख दी, हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे वादे दे दिए। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस में लिख दिया तुमने अनट्रू स्टेटमेंट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अब ना दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, मैं आपको एकदम सिंपल से बताऊंगी, दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक होती है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 कहता है क्या होती है, जब गिल्टी माइंड हो, जानबूझ के, मेंजरिया जिसको बोलते हैं, मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड। क्रिमिनल, क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो गिल्टी होता है ना, दिमाग से गिल्टी होता है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, तो कहता है गिल्टी माइंड। मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड, पहले से तुम्हें पता था और तुमने जानबूझ के क्या किया, अनट्रू स्टेटमेंट को लिखा, जानबूझ के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लिखी, जानबूझ के कुछ चीजों को ओमिट कर दिया, बातें बताई नहीं, छुपा दी गई। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होगी, जब तुमने जानबूझ के किया था। अगर मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगी। अच्छा, तो कहता है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। क्रिमिनल लाइबिलिटी की सजा क्या है, जो भी आदमी ने इस प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लिखी, जो भी आदमी ने डिक्लेरेशन वगैरह दिया, जिसने भी ये अनट्रू स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको जेल भेजा जाएगा। 447 में जेल होती है क्या? 447 में जेल, कंपनी को जेल भेज सकते हैं क्या? कंपनी को जेल, कंपनी तुम आर्टिफिशियल आदमी हो, तुम्हें जेल में डालेंगे, जेल में डाल सकते हो क्या? नहीं। तो जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग फंसते हैं इसके अंदर, जो लोग इन्वॉल्व है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल वो फंसेगा। ठीक है, पर अगर वो आदमी ये प्रूव कर दे, अगर ये आदमी प्रूव कर दे कि यार जो भी स्टेटमेंट ओमिट किया है या जो भी स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या अनट्रू है, वो तो इमटेरियल स्टेटमेंट है, मतलब इमटेरियल है, मतलब ये बात तो मटेरियल ही नहीं थी, मतलब ये बात तो इमटेरियल है। मान लो मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने गलती से कोई एड्रेस किसी का गलत लिख दिया, गलती से किसी का नाम की स्पेलिंग अगर गलत लिख दी, तो बेसिकली वो स्टेटमेंट तो इमटेरियल हो गया ना, इमटेरियल हो गया। आप अगर बोल रहे हो, अच्छा आप किसके बारे में मेरे को जेल भेज रहे हो, किसके लिए मुझे जेल भेज रहे हो, मैंने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, ये चीज तो इमटेरियल है ना। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि स्टेटमेंट जो भी अनट्रू है वो इमटेरियल है, या फिर आप ये प्रूव कर दो कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे ये बिलीव करने के लिए कि जो स्टेटमेंट अनट्रू है आपको लग रहा था कि वो ट्रू है। ठीक है, बेसिकली अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि पहले तो जो चीज गलत लिखी गई है, जो चीज ओमिट कर दी गई है, वो इमटेरियल है, या फिर अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे, फेयर ग्राउंड्स थे बिलीव करने के लिए कि ये चीज ट्रू है, मेरे को क्या पता अनट्रू है, मेरे को तो लग रहा था ट्रू होगी, करेक्ट। तो ऐसे केस में आप बच सकते हो 447 की लाइबिलिटी से। एवरीबडी समझा क्या? ओके। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी मतलब ये जो अनट्रू स्टेटमेंट तुमने लिखे हैं, ये जो झूठी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तुमने लिखी, या चीजों को अगर ओमिट किया, इस ओमिट से, इस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से, इस अनट्रू स्टेटमेंट से अगर किसी को डैमेज फेस करने पड़े हैं, तो एक मुझे बताओ, डैमेज अगर हुआ है किसी को तो आपको डैमेज पे करना पड़ेगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या देखती है? कि लोगों को डैमेज हुआ क्या, लोगों को डैमेज फेस हुआ क्या, तुम्हारे झूठा बातें लिखने से लॉस और डैमेज हुआ है क्या। तो बताओ, कंपनी भी डैमेज पे करेगी क्या? यहाँ जेल तो नहीं जा सकती थी कंपनी, जो लोग इन्वॉल्व थे वो जा रहे थे, तो यहाँ तो डैमेज सारे पे करेंगे। अब कंपनी भी पे करेगी, कंपनी के डायरेक्टर जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, प्रमोटर या जो भी लोग इशू में इन्वॉल्व थे, वो सारे डैमेजेस मिलकर पे करेंगे। अब सिविल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब आपके मिसलीडिंग अनट्रू स्टेटमेंट लिखने से किसी को डैमेज फेस हुए, पब्लिक को डैमेज फेस हुआ, तो यू विल हैव टू पे फॉर दोस डैमेजेस। हु विल हैव टू पे? द कंपनी, द डायरेक्टर्स जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, हूसोएवर ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रमोटर्स, ये डैमेजेस पे करते हैं। ओके, ऑल राइट मैडम, समझा मैडम। ओके, एक्सेप्शन क्या है? तुम बच के कैसे निकल सकते हो? तुम बच के कब निकल जाओगे? डायरेक्टर, एक डायरेक्टर उठ के बोला, यार मेरे पे मैं नहीं डैमेजेस पे कर सकता, मेरे पास प्रूफ है। तो एक्सेप्शन क्या है? अगर वो ये शो कर दे
कि कंसेंट विड्रॉ बिफोर द इशू प्रोस्पेक्टस, कहते हैं मैंने तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, जब तक आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उससे पहले ही मैंने तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने तो कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, तो वो बच सकता है। या फिर अगर वो ये बोल दे कि ये प्रोस्पेक्टस जो इशू हुआ है बिना मेरी नॉलेज के हुआ है, मेरे को तो पता भी नहीं था। एक मिनट, चार्जर। समझा? तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि अगर आप ये बता दो एक्सेप्शन में, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि यार मैंने तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंसेंट मैंने तो विड्रॉ कर लिया था, मेरे को पता ही नहीं, या फिर ये प्रूफ कर दो ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट माई नॉलेज, मेरे को तो पता ही नहीं था प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, मैं कहां से इन्वॉल्व हो गया, मेरा नाम इन लोग ने लिख दिया पर मेरे को नहीं पता था, अगर आप ये प्रूफ कर दो विदाउट माई नॉलेज हुआ है। तीसरा, अगर आप ये प्रूफ कर दो आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे ये बिलीव करने के लिए, क्या बिलीव करने के लिए, कि व्हाटएवर इज रिटन इज ट्रू, मतलब अगर आप ये प्रूफ कर दो कि मेरे को पता ही नहीं था यार, मैंने तो ये सोचा ये स्टेटमेंट ही ट्रू है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टूड क्या? अच्छा अटक गया है चैट, आई थिंक अटक गया है क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड क्या? अच्छा नहीं, चैट कर, सही है ठीक है, एवरीबडी समझा? तो देखो, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब आपके अनट्रू स्टेटमेंट लिखने से लोगों को डैमेज हो रहा है, सिविल लाइबिलिटी गिल्टी माइंड होता है, गिल्टी माइंड में जेल जाओगे, गिल्टी होना जेल जाओगे, बच सकते हो जेल जाने से अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो भी ऑमिट हुआ है वो इमटीरियल था, या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे ये बिलीव करने के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर ये सिविल लाइबिलिटी में कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है, डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, तीन चीजों से आप बच सकते हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन प्रोस्पेक्टस इशूड विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, आपने अगर डैमेजेस भी कर दिए और आपने मेंजरिया भी इन्वॉल्व है तो आप फिर 447 में भी लायबल हो जाओगे। समझा? मतलब एक तो तुमने लोगों को डैमेजेस भी किए, डैमेजेस तो सिविल लायबिलिटी तो अट्रैक्ट हो ही गई, साथ में तुम्हारे इंटेंशन भी पूरे थे, तो फिर तुम जेल भी जाओगे। रुको, दोनों चीजें इन्वॉल्व है ना, तो तुम जेल भी जाओ, जाओ जेल की थोड़े दिन हवा खा के आओ, जाओ 447 के अंदर जेल भी खा जाओ, चलो कमान उठो। अच्छा ओके ओके, मेजर मेजर सेक्शन अपने होते जा रहे हैं, अभी तक तो एक घंटा भी नहीं हुआ है, हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर 80% कंप्लीट कर दिया है, 20% प्राइवेट प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे, बीच में ये छोटे छोटे सेक्शन है, ये तो एक बार पढ़ के रख दो एक बार। पनिशमेंट फॉर फ्रूडलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, मतलब अगर ये ब्रोकर्स के ऊपर लगता है, ये MCQs लास्ट में होगा, डोंट वरी, ब्रोकर्स पे लगता है ये, मतलब अगर ब्रोकर्स डेलिबरेटली क्या कर रहे हैं, किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अग्रीमेंट में एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स को अक्वायर कर लो या कंपनी के शेयर्स को बेच दो, अगर आप लोगों को इंड्यूस कर रहे हो कि इस अग्रीमेंट में एंटर करो, शेयर्स बेच दो या शेयर खरीद लो, किस पर्पस के लिए आप इंड्यूस कर रहे हो? इस पर्पस के लिए इंड्यूस कर रहे हो कि किसी और पर्सन को आप प्रॉफिट दिलवा सको, ये ब्रोकर्स पे लगता है। तो बेसिकली ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं कि आओ तुम इन कंपनी के शेयर्स को खरीद लो, झूठा झूठा फॉल्स नरेटिव देके, डिसेप्टिव से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देके, झूठे वादे देके, झूठे फॉल्स प्रोमिसेस दिखा के, झूठा फोरकास्ट दिखा के, अगर आप लोगों को अग्रीमेंट में एंटर करवा रहे हो टू अक्वायर द शेयर्स और टू डिस्पोज द शेयर्स, या अग्रीमेंट में एंटर इसलिए करवा रहे हो ताकि किसी और आदमी को प्रॉफिट सिक्योर करवा सको, या फिर अगर आप इस अग्रीमेंट में लोगों को एंटर क्यों करवा रहे हो, ताकि आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ऑब्टेन कर सको, तो ऐसे केस में ब्रोकर्स जेल की हवा खा के आओगे, झूठे वादे करके, इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देके, झूठा फोरकास्ट दिखा के, अगर आप लोगों से शेयर्स खरीदवा रहे हो, किसी और को प्रॉफिट दिलवाने के लिए शेयर्स खरीदवा रहे हो, खुद को एक क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने के लिए शेयर्स खरीदवा रहे हो, तो जाओ हवा खा के आओ जेल का। ठीक है ओके, ये तो एक वन लाइनर है, इस पे को अगर कोई एमसीक्यू आ गया तो देख लेना, वरना ऐसा कोई आएगा नहीं बड़ा क्वेश्चन इस पे। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, अच्छा है, वेरी वेरी गुड, करे तो लास्ट अपना सेक्शन है 42, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक घंटे में, हालांकि मैंने दो घंटे का टाइम रखा था, पर ऑलमोस्ट एक घंटे में चैप्टर खत्म होएगा, और उसके आधा घंटा में फिर अपने एमसीक्यूज कर लेंगे, तो ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दूंगी पूरा चैप्टर, ताकि फिर से सारा चैप्टर तुम्हारी आंखों के उसमें से सामने से निकल जाए। ओके चलो, चलिए प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। मैम व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जनता को तुम ऑफर नहीं कर रहे, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनीज भी कर सकती है, मैंने शुरुआत में ही बोला था, प्राइवेट कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट को कर सकती है, ऑफ कोर्स सारे कर सकते हैं, प्राइवेटली मतलब स्पेसिफिक लोगों को शेयर्स को ऑफर करना। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब स्मॉल कुछ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को ऑफर कर रहे हो, करेक्ट ओके। अच्छा किन किन को ऑफर करोगे ये कौन बोलेगा?
बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा क्या कि हमें अपने शेयर्स को किन लोगों को ऑफर करना है, ये कौन आइडेंटिफाइड करेगा? बोर्ड आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, आप मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को कर सकते हो? इट शैल नॉट एक्सीड 50 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कितना आप प्रिस्क्राइब कर रखा है? 200। प्राइवेट प्लेसमेंट आप 200 से ज्यादा लोगों को नहीं कर सकते हो। 200 क्या है? मैक्सिमम है। इस 200 में कुछ लोग काउंट नहीं होते। कौन? अगर आप ईसॉप्स इशू कर रहे हो अपने इंप्लॉइज को, इंप्लॉइज ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर ईसॉप्स। ईसॉप्स हम पढ़ेंगे शेयर्स के चैप्टर में। तो इंप्लॉइज को ऑफर कर रहे हो क्या, ईसॉप्स दे रहे हो क्या, तो फिर 200 में काउंट नहीं होते। ये लोग प्राइवेट, हमारे कंपनी के इंप्लॉइज हैं यार, अच्छा कर रहे हैं तो ईसॉप इशू कर रहे हैं लोगों, तो ये 200 के लिमिट पे काउंट नहीं होंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दे रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े इंश्योरेंस कंपनीज को इशू कर रहे हो, तो वो 200 की लिमिट में, इनका तो काम ही है इन्वेस्ट करने का, तो ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो मुझे बता दो, इस पर छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं, 200 की लिमिट में कौन काउंट नहीं होता? इंप्लॉइज, जिनको आप ईसॉप्स इशू कर रहे हो, और QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, ये पूरा का पूरा सेक्शन ही जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का, सेक्शन 42, कुछ कंपनीज पे नहीं लगता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs पे नहीं लगता, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे नहीं लगता, इफ दे आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन। अगर NBFCs जो रूल्स RBI ने बनाए हैं उससे कंप्लाई कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर नेशनल हाउसिंग बैंक के जो रूल्स है उनसे कंप्लाई कर रहे हो, तो आप पे ये सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का नहीं, मतलब बेसिकली नहीं लगता। अबव जो लिमिट है, मतलब सेक्शन नहीं लगता का मतलब क्या है, आपके ऊपर ये 200 की लिमिट नहीं लगती, मतलब सेक्शन कंप्लाई, मतलब ये सेक्शन जो बोला है सेक्शन 42 क्या बोलता है, मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो, पर NBFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 200 से ज्यादा लोगों को भी ऑफर कर सकते हैं प्राइवेटली, ठीक है, मतलब उनके ऊपर ये 200 की लिमिट नहीं लगती। एवरीबडी समझा क्या? तो मैंने क्या बोला, अभी तक प्राइवेट प्लेसमेंट आप 200 लोगों को ही करोगे, 200 में इंप्लॉइज नहीं काउंट होते जिनको ईसॉप्स इशू किया जा रहा है, QIBs नहीं काउंट होते। 200 से ज्यादा कौन कर सकता है? NBFCs कर सकते हैं, NHB दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ओके, अब क्या बोलता है, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए तुम्हें क्या इशू करना पड़ेगा? पब्लिक इशू के लिए तुम क्या इशू करते हो? पब्लिक को इशू करते हो तो क्या इशू करते हो? प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, करेक्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, मतलब PPOL, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर इशू करते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो क्या, तो ऑफर लेटर इशू करो ना, एप्लीकेशन, आपको पूरा प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करना है, जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आप इशू करते हो। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है शेयर होल्डर्स की बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, SR पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अरे स्पेसिफिक लोगों को ऑफर कर रहे हो क्या? हाँ, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की सहमति तो लोगे। अगर आप प्राइवेटली कुछ लोगों को शेयर्स ऑफर करना चाहते हो तो शेयर होल्डर्स तो बढ़ने वाले हैं ना, तो बेसिकली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। हाँ, कई केस में बोर्ड रेजोल्यूशन से भी होता है, ठीक है। मैम ये 200 लिमिट इज सिक्योरिटीज वाइज ना? नहीं, 200 की लिमिट आप प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट है। अगर आप प्राइवेटली लोगों को सिक्योरिटीज दे रहे हो, स्पेसिफिक लोगों को सिक्योरिटीज दे रहे हो, स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हो, तो 200 से ज्यादा लोगों को स्पेसिफिक ऑफर नहीं दे सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अच्छा, कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है क्या? जिन जिन लोगों को भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो उनका रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो PAS 5 के अंदर। जिन जिन लोगों को भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, मान लो मैं ABCDEFGH, चाहे वो ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, मेरे को PAS 5 में सारे रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे ही, करने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कौन से एप्लीकेशन में होता है? फॉर्म PAS 4 में होता है। तो आपने PAS 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, 5 में आप क्या करोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट का रजिस्टर बनाते हो, रजिस्टर बनाते हो, और रजिस्टर में लिखने के 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर PAS 4 में इशू कर देते हो। मैं आप लोगों को एक नीचे लेकर जाऊंगी एक ब्रीफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो PAS 1 में आपने क्या बोला था, याद आ रहा है PAS 1 में क्या था? एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल्टरिंग द ऑब्जेक्टिव। PAS 2 क्या था? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडा, मतलब क्या था PAS 2, याद है? आप जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडा इशू करते हो। PAS 3 में रिटर्न फाइल करते हो, अलॉटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर, मैंने बोला था ना रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न ROC को फाइल करनी पड़ती है। PAS 4 अभी अभी आपने पढ़ा, PAS 4 मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट, वो जो PPOL आप जो बोल रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर किसमें इशू करते हो? PAS 4 में इशू करते हो। PAS 5 में कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है,
जिन जिन लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हो उनके रिकॉर्ड्स कंपनी PS5 में मेंटेन करती है, और उसके 30 दिन में रिकॉर्ड में डाल लेके 30 दिन में प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है। ओके आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन से आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट की जानकारी आप ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर है ये किस द्वारा भेजते हो, चेक मतलब सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट का जो पैसा मिलेगा आपको आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते, या तो चेक DD या अदर बैंकिंग चैनल, कैश में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप अच्छा नहीं तो लोग ब्लैक का पैसा व्हाइट में करने लगेंगे क्या? आप अगर बोलोगे अरे कैश पे कर दे नहीं, अगर आप लोग आपके शेयर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट अलाउड नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा, चेक द्वारा, DD द्वारा, अदर बैंकिंग चैनल द्वारा पैसे वो दे सकते हो। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट बेसिकली क्या कहता है, कंपनी ये जो पैसा मिलेगा ये आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे, जब तक कि प्राइवेट प्लेसमेंट आप करते नहीं इस पैसे को अलग बैंक अकाउंट में रखोगे, ऐसा नहीं है कि इस पैसे को भी यूज करने लगे। ठीक है ओके, जब तक आप कोई फ्रेश प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लाओगे, जब तक प्रीवियस वाला कंप्लाई नहीं हो जाता, जब तक पूरा प्रीवियस वाला तुम प्राइवेट प्लेसमेंट सेटल नहीं कर देते तब तक आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लाओगे। टाइम लिमिट क्या है, अब यहां से ध्यान से सुन लो, टाइम लिमिट आ गई। देखो कहता है कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट कर देगी विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। मतलब आज एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देती है, अलॉट कर देती है, अलॉटमेंट कर देती है। ठीक है ओके ऑल राइट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या बोला है, कंपनी 60 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन मनी मिलने के अलॉटमेंट कर देती है। अगर 60 डेज में नहीं कर पाई, कंपनी बोली हम बिजी हो गए थे ना, सॉरी ना, नहीं कर पाए ना, तो सारा एप्लीकेशन मनी तू रिफंड कर 15 दिन के अंदर अंदर है, ये 60 दिन के अंदर अंदर तुमने नहीं दिया, तो जैसे ही 60 डेज खत्म होते हैं तो 15 डेज के अंदर अंदर क्या करो, सारे पैसे को रिफंड करो। ठीक है, 15 डेज में प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर पाए ना, एक तो लोगों को, कुछ लोगों को दे रहे थे तुम, कुछ लोगों का भी तुम अलॉटमेंट 60 दिन में नहीं कर पाए, तो 15 दिन में सारे पैसे जैसे ही खत्म होते हैं 60 डेज 15 दिन में रिफंड करो। 15 दिन में नहीं कर पाए ना तो क्या हो गया ना, तो फिर 12% इंटरेस्ट रेट पे करो। तो अब याद रखना वहां पे 15% है इंटरेस्ट रेट, जो आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस वाला जो आपने पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस इशू करके जब मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% से कम नहीं होनी चाहिए, आप 30 डेज में आपका सब्सक्रिप्शन मनी आना चाहिए, उसके बाद आप अलॉटमेंट कर देते हो, और अगर नहीं किया तो 15 डेज वाला पॉइंट था कि 15 डेज में रिफंड करो, नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट पे करो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 12% है। ठीक है हाँ, तो 60 डेज जैसे ही एक्सपायर होंगे, यहाँ पे 60 डेज एक्सपायर हो गए क्या, हाँ, तो यहाँ से 15 दिन में रिफंड करना था नहीं किया, तो इसी दिन से 12% इंटरेस्ट से पे करो 61st डे से, करेक्ट ओके। उसके बाद जो भी पैसा आपको मिलता है एप्लीकेशन मनी का, लोगों ने आपके प्राइवेट प्लेसमेंट करके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे, उसको या तो रिफंड के लिए यूज करोगे रीपेमेंट के लिए, या फिर उसको मान लो अलॉटमेंट के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट वगैरह करने है तो उसमें यूज कर लोगे, बाकी और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है क्या? हाँ, पर यहाँ पे 15 दिन में फाइल करना पड़ता है, वहां पे 30 दिन में फाइल करना था क्या? पब्लिक को दे रहे हो, एक बात बताओ, एक लॉजिक वाली बात है, पब्लिक को दे रहे हो जब, तो बहुत सारी पब्लिक होगी ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो 30 दिन। प्राइवेटली तो वैसे भी आप 10-20 लोगों को, 200 से तो कम ही लोगों को देते हो आप, 10 को 20 को, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कम टाइम दिया गया है, 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर लो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को फाइल कर दो PS3 में। वहां ज्यादा लोगों को दे रहे थे ना तो टाइम भी 30 दिन दे दिया, या कम लोगों को दे रहे हो ना तो रिटर्न को फाइल करने का टाइम इन्होंने 15 दिन दे दिया। कहता है इसमें आप सारा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 जब 15 डेज में फाइल करोगे ना तो आप सारे डिटेल्स दे देना, क्या कि किसको उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, परमानेंट अकाउंट पैन नंबर क्या है, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, कितने डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस दिन अलॉटमेंट किया, तो मतलब ये जो रिटर्न फाइल करते हो तुम अलॉटमेंट का, इसमें बेसिक जानकारी ROC को देते हो, किन लोगों को हमने प्राइवेटली प्लेस किया है शेयर्स को, उनका पैन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, किस क्या क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर रखे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, किस दिन अलॉटमेंट हुए, इन शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है, मतलब फेस वैल्यू क्या है, कितना पेमेंट हुआ सब्सक्रिप्शन पे, तो ये बेसिक डिटेल्स आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पे देते हो। ठीक है ओके, एवरीबॉडी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी हो गया, और डिफॉल्ट है यहाँ पे अगर प्रमोटर डायरेक्टर प्राइवेट प्लेसमेंट के मतलब ये सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते, ₹1,000 per day, मतलब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अगर आप फाइल नहीं करते हो टाइम पे 15 डेज के अंदर अंदर, ₹1,000 per day का, मैक्सिमम ₹25,00,000। और पनिशमेंट क्या है,
कंपनी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अगर मान लो 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते, तो अमाउंट इन्वॉल्व इन द ऑफर जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है, या 2 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर, ठीक है, कितना बोला मैंने, अगर आप मान लो सारे पैसे को रिफंड नहीं करते 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के जो प्रोविजन है 200 से ज्यादा लोगों को तुमने दे दिया, तो सब पे पेनल्टी कितनी लगेगी, जितना भी अमाउंट तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा उठाया है, या 2 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, एवरीबडी समझा क्या? तो पूरा का पूरा प्राइवेट मतलब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विद अ टाइप ऑफ ऑफर सब कंप्लीट हो गया। इसमें से किसी भी बच्चे को पहले तो मुझे बता दो, तो बड़ी पेनल्टी है यार, सोचो ना 2 करोड़ बोला है। एक बात बताओ, किसी को भी किसी भी पॉइंट पे वापस पढ़ना है क्या? नहीं तो मैं एमसीक्यू लेती हूँ। ओके परफेक्टो, लास्ट वाला एमसीक्यू, पोल नहीं लेंगे यार, पोल से टाइम वेस्ट होता है, क्यों टाइम वेस्ट करना है यार तुम्हें पोल से, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? एक मिनट, अब मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं आपकी पीडीएफ अपलोड करूंगी, 1 मिनट का ब्रेक है आपके लिए, 1 मिनट का ब्रेक है, लेट मी अपलोड द पीडीएफ नाउ, ओके, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी अपलोड, एक बार समरी कर देंगे। अच्छा चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट की समरी कर लो, मेरे को बता दो, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब स्पेसिफिक ऑफर, कितने लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है? 200 लोगों तक प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। 200 में कौन लोग इंक्लूडेड नहीं होते? इंप्लॉइज जिनको ईसॉप द्वारा दिया गया है, क्यूआईबीज इन्वॉल्व नहीं होते, ये 200 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है कुछ लोगों पे। किस लोगों पे अप्लाई नहीं होती, तुम लोग बताओगे, या फिर देखो आपके एनबीएफसी जो हो गए, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे 200 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है मैडम? प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर इशू करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर इशू करते हैं, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर, आपको ये प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर किस फॉर्म में लोगों को पहुंचाना है? पीएएस 4 में, और कंपनी पीएएस 5 में जिन भी लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया है उसका रजिस्टर मेंटेन करती है, मतलब जिन जिन भी लोगों को आपने ये ऑफर लेटर भेजा है उन सबका एक रजिस्टर मेंटेन करती है पीएएस 5 में, ओके ऑलराइट। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आपने इशू किया, 60 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दोगे, एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 डेज में तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर दोगे, बट 60 डेज में तुमने नहीं किया, 60 डेज एक्सपायर हो गए, तो आपको 15 डेज में सारे पैसे को रिफंड करना पड़ेगा, तुमने रिफंड भी नहीं किया तो 12% पर एनम से तुम क्या करोगे, पूरे पैसे को रिफंड करोगे, और रिटर्न भी तो आरओसी को भी पापा को बताना पड़ेगा क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, हाँ बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट किया ना तो समय कम दिया है, 15 डेज का तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो, दैट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, आप फाइल करोगे पीएस 3 के अंदर फाइल करोगे आरओसी के पास, इसमें रिटर्न में लिख देना किन लोगों को दिया, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन क्या है, किस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को इशू किया, कितने लोगों को कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, क्या डेट ऑफ अलॉटमेंट है, ये सारी चीजें, ओके ऑलराइट। अब मैं आप लोगों को फाइल अपलोड कर रही हूँ, 2 मिनट देना, फाइल अपलोड करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, 2 मिनट का ब्रेक है, टिल देन आप लोग जो भी आपको रिवाइज करना है, 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूं, आप रिवाइज कर लो। अरे अरे अरे, तैयार हो गया? तो 1.5 आवर में अपना ये पूरा चैप्टर अपने एमसीक्यू समेत हो गया, ठीक है? इचिंग, अरे क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी जब बोलते हैं ना तो थोड़ा गले में होता है, ये सारे टीचर्स को आपने देखा होगा गले में दिक्कत हो जाती है, क्यों? फटाफट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट कब बोलेगा, एक्सपर्ट बोलेगा हाँ मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, एक्सपर्ट कब बोलेगा, जब एक्सपर्ट इंगेज ना हो कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन में, ठीक है? तो बेसिकली जब
वो एंगेज ना हो जब तक उसने अपना रिटन कंसेंट दिया हो कि हाँ मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करने में हेल्प किया है, तो जब तक उसने अपना रिटन कंसेंट दिया हो, ये रिटन कंसेंट विड्रॉ नहीं किया रजिस्ट्रार के पास, जब तक प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ तब तक तुमने विड्रॉ नहीं किया, ठीक है? ओके, विक्स की गोली लो, किच किच दूर करो, आ जाओ। आइए 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 सारे बच्चे, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आइए, क्वेश्चन नंबर वन, डिलाइट स्पोर्ट्स गारमेंट लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग टू रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस कंपनी को पैसे रेज करने हैं 50 करोड़ के, कैसे? फंड्स रेज करके। मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए दैट नीड्स टू बी सब्सक्राइब बाय द प्रोस्पेक्टस। द फंड्स शैल बी रेज इन 4 इंस्टॉलमेंट, कहता है 4 इंस्टॉलमेंट में फंड रेज करेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। आप बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन से उस तक मिल जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका जो होता है सब मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, ऑफ कोर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो एप्लीकेशन मनी के साथ ही मिलना चाहिए ना, आपको पता है अगर नहीं मिलता है तो फिर रिफंड कर देना पड़ता है ना, करेक्ट? ओके, आ जाइए। नहीं मिलता है तो क्या होता है बेटा, 30 दिन में नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, 30 दिन में सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जैसे ही इशू क्लोज हो रहा है उसके 15 दिन में 15% 15 दिन में रिफंड कर दो, अगर नहीं कर पाते तो 15% पर आना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा कॉन्ट्ररी कहता है, कॉन्ट्ररी कौन सा, इसमें गलत कौन बोल रहा है, स्टेटमेंट गलत कौन सा है? सी, ऑफ कोर्स मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मांगे, ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके ओके ऑल राइट, आगे। अब अंडरराइटिंग कमीशन वाला बोला, कहता है डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, आर्टिकल्स कहता है 2% होना चाहिए, पर हमने तो पढ़ा था कि 2.5% भी हो सकता है, तो बताओ कितना अंडरराइटिंग कमीशन हम पे करेंगे, बताओ कितना? मैंने क्या बोला था डिबेंचर्स के केस में कितना होता है जी, 2.5%, या फिर जितना एओए बोले, विच एवर इज लेस लोअर। तो एओए 2% कह रहा है ना, तो फिर तुमको ज्यादा बढ़ के देने की जरूरत नहीं है, 2% दे करो। चलो अब क्या है देखो, कृष्णा रिलीजियस पब्लिशर्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ इतना, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए पे इशू किए थे तो 20 लाख का एप्लीकेशन मनी मिला, 10 अक्टूबर को मिला। अब आपको ये बोलना है अलॉटमेंट कितने दिन में करना पड़ेगा, बताओ 10 अक्टूबर 2019 कब करना पड़ेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट कितने दिन में करना पड़ता है, 60 डेज में करना पड़ता है। 10 अक्टूबर से 60 डेज क्या होंगे, 9th दिसंबर। ओके, आ जाइए। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ऑफ 200 ईच, 20% पेड अप शेयर, 4 ऑफ इट्स प्रमोटर्स। अब ऑफलोड करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली क्या है, प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स को ऑफर देना चाहते हैं सेल के लिए, दे वॉन्ट टू ऑथराइज समवन, ये लोग किसी को बोलना चाहते हैं कि अरे हमारे लिए सेल कर दो ना, किसको बोल सकते हैं ये, कौन फॉर्मेलिटीज कर सकता है सेल की, बताओ? अगर कुछ शेयर होल्डर्स को, कुछ प्रमोटर्स को जिनके पास इतने शेयर्स है कंपनी के, 20% शेयर है, वो अगर बेचना चाहते हैं तो किसको ऑथराइज कर सकते हैं कि हमारे लिए शेयर्स को बेचो? कंपनी इटसेल्फ, जिसके शेयर्स ये लोग ऑफलोड करना चाहते हैं उसी कंपनी को जाके बोलेंगे कि भैया कर दो हमारी मदद, समझा एवरीबडी? ये सारी चीजें मैंने आपको पूरे सेक्शन वाइज सब समझा दी है, आई होप कि आपको रिलेट कर पा रहे हो। आ जाओ, एक्स्ट्रा लिमिटेड इज अ ग्रोइंग कंपनी रिक्वायरिंग एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस फॉर मेकिंग एन ऑफर टू पब्लिक एंड देन इशू द शेयर, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर देम, काइंडली एडवाइज देम इफ देयर इज एनी वे आउट। मुझे बताओ, ये बोल रहे हैं यार बार बार प्रोस्पेक्टस, हर साल में 4 बार चाहिए, तो क्या 4 बार 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 प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे? क्या कर सकते हैं हमारे लिए, कुछ एक बताइए कि हम, हमारे लिए क्या फायदा होगा अगर हम एक साल में बहुत सारे फंड्स रेज करना चाहते हैं तो हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, तो बताइए क्या होगा? कहता है फर्स्ट ऑफर के दौरान आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो, उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो सब्सिक्वेंट ऑफर्स के लिए आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, सिंपल एज दैट। ओके, When a copy of the contract for the payment of underwriting commission is required to be delivered, कब कॉपी देते हो? अंडरराइटिंग कमीशन की कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिया जाता है, मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रार को दिया जाता है, कब दिया जाता है? मैंने आपको बोला था, ओरली भी बताया था, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप प्रोस्पेक्टस देते हो, तो प्रोस्पेक्टस को जब आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो उसके साथ साथ कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग भी दे देते हो। पोल ले लूंगी जयदीप, पोल मैं जानबूझ के नहीं ले रही हूँ, क्यों यार? पोल से ना
अभी राइट नाउ पोल का टाइम नहीं है, जब हंसी मजाक चलता है ना तब पोल कर सकते हैं, तब मजे वजे आते हैं, अब क्या है एकदम क्रूशियल टाइम है, तो फटाफट आप लोग खत्म करो और डाल दो। अ प्रोस्पेक्टस जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के बारे में नहीं लिखा होता, ये कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आंसर दो नाइन्थ का, मैं नहीं पढ़ रही अब नाइन्थ। कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 30 days में मिल जाना चाहिए, वेरी गुड। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? इशुइंग हाउस अगर एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर में कि आओ इस कंपनी के शेयर्स खरीदो, इशुइंग हाउस जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा? बताओ, इशुइंग हाउस जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा? जब एडवर्टाइजमेंट 6 महीने में दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और आएगा यहाँ पे एंड नहीं आएगा, और कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर इशुइंग हाउस को पूरा कंसिडरेशन इशुइंग हाउस ने कंपनी को नहीं दिया था, ठीक है? ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? डिबेंचर्स के केस में 5% थोड़ी अंडरराइटिंग कमीशन, 2.5% है ना, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये वाला तो आपका हो गया कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट, मिनिमम वाला, ये वाला तो हमने कर लिया। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितने पीरियड के लिए होती है? 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट इशू। 1 year की तो होती है, 1 year काउंट कब से करते हो? ओए, जब आप पहला इशू लाओगे, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इशू, पहला इशू ला रहे हो तब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो ना, तो 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट इशू, ऑफकोर्स सी, सी एंड सी, नो लैगिंग बेटा, देयर इज नो लैग, नो लैग। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये भी तुमने कर लिया, 9th डिसंबर वाला है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, इसको पढ़ लो, प्राइवेट प्लेसमेंट का, ये चलो मैं आपको वैसे ही बता देती हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट आपने कुछ लोगों को दिया है, मुझे एक बात बताओ क्या कंपनी प्रोहिबिट कर सकती है क्या, कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा सकते हैं कि प्रनाउंस, ये जो राइट ऑफ रेनाउंसमेंट आपको नहीं करना है, मतलब पढ़ सकते हो आप लोग, पढ़ो, चलो मैं नहीं पढ़ूंगी, एग्जाम में आप लोग पढ़ोगे ना, मुझे पढ़ के आंसर दे दो, ये बेसिक चीज है। बी इज द आंसर, कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग राइट ऑफ रेनाउंसमेंट, सो द ऑफर लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म नीड नॉट इंक्लूड एनी अदर क्लॉज। आप राइट ऑफ रेनाउंसमेंट मिलता है, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर तुम्हें दिया जा रहा है, क्या तुम उसे किसी और को रेनाउंस कर सकते हो? आंसर इज नहीं कर सकते, वैसे भी प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है ना, स्पेसिफिक लोगों को, गिने चुने लोग जो बोर्ड ने आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने बोला था किनको आप देते हो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो बोर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर वो आगे किसी को नहीं दे सकते, मतलब राइट ऑफ रेनाउंसमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, ओके। 16 बता दो, अब ये मैं नहीं पढ़ रही, तुम खुद पढ़ लो, चलो फटाफट, तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा, 200 की लिमिट में कौन काउंट नहीं होता, वैसे ही देख के समझ में आ जाएगा, 200 की लिमिट में ईसॉप्स वाले लोग प्राइवेट प्लेसमेंट जब करते हो तो जो कि 200 की लिमिट होती है उसमें ईसॉप्स वाले तो काउंट नहीं होते, और कौन काउंट नहीं होता? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स काउंट नहीं होते। अब अपना पढ़ो फटाफट, इसको पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रही, मैंने आपको ये ओरली समझाया था, ओरली बताया था मैंने, ऑफ कोर्स जो लिस्टेड है उनको तो करना ही पड़ेगा डीमैट फॉर्म में, बाकी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होते हैं वो, उनको भी अगर अपने शेयर्स को इशू करना है तो डीमैट फॉर्म में ही होता है, नीड टू इशू शेयर्स टू द सब्सक्राइबर्स ओनली इन द डीमैट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, द अमाउंट दैट एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम्स विद द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी व्हेन इट डीमैटराइजेस द शेयर। एवरीबॉडी, आंसर क्या होगा? ये उत्तर डिटेल में हम नहीं गए थे, आंसर इज बी, ओके।
कमीशन इज परमिटेड टू बी पेड टू एन अंडर राइटर बाय द कंपनी ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. अंडर राइटिंग कमीशन तो आप पे करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में अंडर राइटिंग कमीशन पे करोगे कि बोनस इशू पे करोगे कि राइट इशू पे करोगे? अंडर राइटिंग कमीशन आप तभी पे करते हो जब आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो सिक्योरिटीज. ओनली वेन द सिक्योरिटीज आर ऑफर टू पब्लिक. ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन होता कितना है शेयर्स के केस में? 5% या AOA whichever is less. डिबेंचर के केस में 2.5% और AOA whichever is less. अंडर राइटिंग कमीशन सिर्फ और सिर्फ तब आप अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जब पब्लिक को आप क्या करते हो, शेयर्स को ऑफर करते हो. ठीक है, ओके, ऑल राइट. अब ये देख लो, ऑफर ऑफ सेल. इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल? ये मैंने आपको पढ़ाया था, अभी क्लास में पढ़ाया था. ऑफर ऑफ सेल कर रहे हो मतलब कुछ शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं मार्केट में. मैंने बोला था तुमको एमसीक्यू के केस में आ सकता है ये क्वेश्चन, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा. बताओ क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल नहीं. अरे लोग कुछ शेयर्स बेच रहे हैं यार, तो क्या मिनिमम एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं प्रोविजन एप्लीकेबल होता. ठीक है, अगर जनता कोई शेयर होल्डर अपने प्रमोटर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन मनी, बेच रहे जितना बिक जाए उतना, ठीक है एवरीबडी. तो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्टिव लेक्चर खत्म होता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे. आई होप कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से, कड़क तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से समझ में आया. आई एम सो हैप्पी कि ये लेक्चर एकदम सक्सेसफुली बिना किसी लैगिंग के कंप्लीट हुआ. आई एम सो हैप्पी. मुझे डर लग रहा था थोड़ा लैग ना हो जाए, मन में डर था, पर वो नहीं हुआ लैगिंग. तो आई एम रियली हैप्पी, मजा आ गया मेरे को भी. लेक्चर एकदम कड़क तरीके से, 1 and 1/2, दो मैंने टाइम इसका रखा था 2 घंटे का, पर 2 घंटे से पहले ही हमारा लेक्चर खत्म हो गया. तो आपके पास अब थोड़ा ज्यादा ब्रेक का टाइम मिल गया, और उसी के साथ मैं इस आज की क्लास को खत्म करती हूँ. पर क्लास को जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, सेल्फ स्टडी कर लो, फटाफट सेल्फ स्टडी कर लो, जो भी चीजें पढ़नी है पढ़ लो. अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना हो, अगर आपको मेरी टीचिंग टेक्निक पसंद हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो एज एन एक्नॉलेजमेंट जब भी आप सब्सक्राइब करें, यू कैन यूज माई कोड सी दीपिका. ठीक है बच्चों, और मेरे से लॉ और ऑडिट पढ़ना. ठीक है, ऑडिट लॉ तो तुम पढ़ चुके हो, ऑडिट का मेरा नया बैच आ रहा है 2 June से, धमाकेदार पूरा ऑडिट लिख के कराने वाली हूँ, 100% रिटन ऑडिट. ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, ऑल राइट बच्चों, पूरा ऑडिट हम लिख के करेंगे. तो ऑडिट की बातें बाद में करेंगे जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे. अभी के लिए जब आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू यूज अ कोड सीए दीपिका अगर आपको मेरी टेक्निक पसंद हो, टीचिंग अच्छा लगता हो तो. चलिए आज के लिए इतना ही. राइटिंग प्रैक्टिस साक्षी, मैं आपकी ना बीच में किसी एक सेशन में कोई एक केस बेस्ड स्टडी दिखा के आपको करवा दूंगी. नेक्स्ट क्लास कुणाल सर की होने वाली है. कुणाल सर आपका आई थिंक आपको पता है ना पीडीएफ, ये देख लो एक मिनट, लेट मी अपलोड द पीडीएफ लॉ के मैराथन का. ये रहा, एक बार दिखा देती हूँ मैं. एससी पे नहीं है, यूट्यूब पे वाईटी पे ये देख लो. तो ये आपका नेक्स्ट क्लास होगा. प्रोस्पेक्टस तो अपना जल्दी खत्म हो गया, आधा घंटा का टाइम है तुम्हारे पास, फटाफट रिविजन कर लो. अब सर तुम्हारा जनरल क्लॉज लेने वाले हैं 9:15 से. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. ओके, आज केस बेस्ड एक आपको बीच में सॉल्व करा दूंगी. आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, या फिर जैसे आप लिखते हो ना, जैसे भी अभी कुछ चेंज मत करो, अभी राइट नाउ इज नॉट द टाइम, आप चेंज करो. जैसे आप केस बेस्ड स्टडी अभी तक पढ़ते आए हो, गो फॉर इट. ठीक है, मतलब एक दिन पहले कंफ्यूज मत हो जाओ कोई भी बच्चा. जैसे आप अभी तक प्रिपेयर करते हुए आए हो वैसे ही करते जाओ. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे. आज के लिए इतना ही नहीं, मैं डिपॉजिट कराऊंगी आगे. चलो ओके, आज के लिए, अभी के लिए बाय बाय. सी यू ऑन द वाईटी, बाय. सेल्फ स्टडी कर लेना, यहाँ पे टाइम पास मत करना बैठ के. हैं इधर बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, टाइम नहीं है दोस्तों से बात करने का, चुपचाप पढ़ाई कर लेना. ओके बाय, रिवाइज कर लेना.